हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा कर रहा हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने घर पर स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर बीसीए सेकंड सेमेस्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। तो बेटा उसी का पार्ट नंबर ये 20th है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपके पेपर का ज़्यादा टाइम नहीं रहा है, तो बेटा बिना स्किप करे हुए फुल वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। फुल प्ले लिस्ट की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और बाकी व्हाट्सअप चैनल से भी आप लोग जुड़े रहो। व्हाट्सएप चैनल पर छोटे मोटे अपडेट मैं देता रहता हूँ वैसे भी, और सभी की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने के लिए मिलेगी, चाहे व्हाट्सएप चैनल हो, चाहे फेसबुक ग्रुप हो, चाहे फेसबुक पेज हो, चाहे इंस्टाग्राम आईडी हो। तो सभी जगह सोशल मीडिया पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और बीसीए के हर सेमेस्टर की तैयारी मैं आपको करवाऊंगा, और हर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट के मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि जो लैटिस वाला टॉपिक है सर, उसके भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लीजिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं। एक थ्योरम है, काफ़ी बार पेपर में आती है, तो इसे हम बिना तुवाए हुए देखेंगे, और इसमें काफ़ी सारी थ्योरम होंगी। पूरी वीडियो को देखना, वीडियो अगर थोड़ी सी लेंथी हो जाए तो समझ जाओ कि पेपर का अब टाइम है नहीं, 2-3 दिन सारे बीच में। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको चीज़ें करवाने की कोशिश करूँगा, और जितने क्वेश्चन मैं लिखूंगा वो आपको ट्राई भी करने हैं, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले मैंने यहाँ लिख दिया जिससे हमारा थोड़ा टाइम सेव हो जाए। जो पहली थ्योरम है, पहली थ्योरम ये है, शो दैट एवरी चैन इज ए लैटिस। जो हमारी चैन होती है, जो सभी चैन होती है, वो क्या होती है, एक लैटिस होती है। तो देखिए इसके लिए मैंने स्टेटमेंट यहाँ लिख दिया है, छोटी सी थ्योरम है, समझ में अभी आराम से आ जाएगी। ध्यान दीजिएगा, लाइट भग चुकी है, इसी वजह से देखिए अभी वीडियो यहाँ कट गई थी थोड़ा सा, क्योंकि मैंने बताया ना बहुत सारी दिक्कतें पड़ती हैं बेटा, सारी चीज़ें मैं खुद ही करता हूँ, लेक्चर शूट वगैरह, उधर जाके कैमरा बंद करना, फिर कैमरे के ISO बढ़ाना, सारी चीज़ें खुद ही करनी होती हैं। पर कोई नहीं, हम थ्योरम देखते हैं, बहुत ईजी थ्योरम है, समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट एल लेस देन इक्वल टू बी ए चैन, इसको मैंने चैन लेट किया है, लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू एल, कि जो हमारा ए और बी है किसको बिलोंग कर रहा है, एल को कर रहा है। देन सिंस एल इज ए चैन, एल क्या है हमारी, कोई चैन है, और ये बात समझ में, वी हैव, हमारे पास है, क्या अवेलेबल है, ए कोमा बी बिलोंग्स कर रहा है एल को, क्या कर रहा है, ए कोमा बी किसको बिलोंग कर रहा है, एल को बिलोंग कर रहा है। तो देखो यहां पर क्या होगा, जो ए होगा वो लेस देन होगा किसके, बी के होगा, और बी जो लेस देन होगा वो ए के, बी जो होगा लेस देन किसके होगा, ए के लेस देन होगा, मतलब एक दूसरे को एक दूसरे के लेस देन मान लिया गया है, लेस देन इक्वल मान लिया गया है। आ रही है बात समझ में, ये नहीं भूल सकते हम, क्योंकि यहां पर इक्वल भी हमें दिया गया है, ठीक है जी। तो यहां हम थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लेते हैं, लेट एज्यूम दैट A less than equal to B, A less than equal to B, कि जो A है हमारा वो B के बराबर भी है, और B से भैया छोटा भी है, ये हम थोड़ी देर के लिए assume कर लेते हैं। अगर ये मैं assume करता हूं तो तुरंत देखो बेटा, यो मेरा एग्जिस्ट कर रहा है, एल में एग्जिस्ट कर रहा है। अब भैया एल में एग्जिस्ट अगर कर रहा है तो सीधी सी बात है भैया, एल क्या माना था हमने, चैन माना था, तो हम बोल सकते हैं हेंस एवरी चैन इज ए लैटिस। आ रही है बात समझ में, वर्क करता है। तो सिंपल है बिल्कुल थ्योरम, बिल्कुल बहुत अच्छी थ्योरम है, 4-5 नंबर में आती है, और मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा थ्योरम ले लेंगे इसमें हम, जिससे आपको जल्दी से जल्दी समझ में आ जाए और सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं कोई भी पॉइंट ऐसा, देखो बाकी छोटी सी है, बिल्कुल 3-4 लाइन की है, तो आप इसे करके जरूर आइएगा, अगर पेपर में आती है छोड़ना बिल्कुल भी मत, नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम फटाफट से। तो स्टूडेंट ध्यान देंगे बेटा, ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये भी थ्योरम काफ़ी बार पेपर में पूछी गई है, जब भी पूछी जाएगी 10 नंबर में पूछी जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। इसका स्टेटमेंट वगैरह इसे प्रूफ भी करा दिया है, एक बार आप देख लीजिएगा, समझ में नहीं आती है तो आप पूछ लेना। ये है लेट एल ए वन ए टू ए थ्री डैश 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 ए एन तक दे रखी है, बी ए फाइनाइट लैटिस। क्या है ये, एक फाइनाइट लैटिस है, और फाइनाइट लैटिस किसे बोलते हैं, फाइनाइट लैटिस वो होती है जिसमें क्या है, जितने भी मेंबर्स हैं या जितने भी एलिमेंट्स हैं वो फाइनाइट हो, जिन्हें हम गिन सकते हैं, मतलब ये काउंटेबल है। देन एल इज बाउंडेड, क्या हमें प्रूफ करना है, देन एल इज बाउंडेड, कि एल क्या होगा मेरा, बाउंडेड होगा, ठीक है, बंद होगा। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं, लेट एल ए वन ए टू ए थ्री लेस एन तक, ए एन तक जाता है, बी एनी फाइनाइट लैटिस, इसको मैंने लेट कर लिया है कि ये मेरी कोई फाइनाइट लैटिस है,
देन वी हैव टू शो दैट एल हैविंग लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट एलिमेंट, कि जो एल है वो लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट एलिमेंट रखता है, कि एटलीस्ट वन एलिमेंट उसमें होगा और ग्रेटेस्ट एलिमेंट भी उसमें होगा। अगर ये है तो उसके बाद देखो जो मेरी बी वन और ए वन है वो दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। बी वन और ए वन मेरी क्या होंगी, दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। अगर वो इक्वल है तो जो मेरा बी टू होगा, ध्यान से देखना, जो मेरा बी टू होगा वो ए टू ज्वाइन करेगा किसको, बी वन को। ए टू जो होगा किसको ज्वाइन करेगा, बी वन को करेगा। यहां आएगा बी जीरो, वैसे तो बी जीरो आएगा, उसका कोई मीनिंग रहता ही नहीं, तो इसलिए मैंने यहां पर लिखा भी नहीं है, ठीक है। और इसी प्रकार से जो बी थ्री होगा, ए थ्री ज्वाइन करेगा किसको, बी टू को करेगा। अब देखो यहां से एक चैन कंस्ट्रक्ट हो रही है कि यहां बी थ्री है, ए थ्री है और यहां बी टू है। तो ध्यान से देखना, अगर मैं बी एन निकालूंगा, अगर मैं बी एन निकालता हूं तो जैसे यहां पर देखो थ्री था तो यहां भी थ्री, यहां पर एन है तो यहां पर भी एन होगा। क्लियर है वाली बात। अब देखो इसी प्रकार से यहां थ्री है तो यहां टू, यहां टू है तो यहां वन, एक कम देखने के लिए मिल रहा है। तो बेटा अगर यहां एन है तो एन, और अगर यहां पर एन है तो यहां पर एन माइनस वन, एन से एक नंबर कम, क्योंकि देखो यहां थ्री था तो यहां पर भी थ्री, और यहां पर थ्री है तो यहां पर टू। अब यहां पर एन है तो यहां पर भी एन, और यहां पर एन है तो यहां पर एन से एक नंबर कम आपको देखने के लिए मिलेगा। दैट इज आपको ये मिल गया। इसके बाद यहां से मेरे को एक बात क्लियर हो गई है, जो ऑल ए वन, वो बी वन बी टू और जो बी एन तक है वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, एल को बिलोंग कर रहे हैं। यार एल क्या मान रखे मैंने, एल यहां पर एक लैटिस मानी हुई है, एक फाइनाइट लैटिस मानी हुई है। इसके बाद देखिए एंड बी एन लेस देन इक्वल टू ए आई, और ये बात समझ में, बी एन लेस देन इक्वल टू ए आई फॉर ऑल आई इज इक्वल टू वन टू थ्री एंड सो ऑन एन तक, कि जहां पर यहां पर एन की जगह पर क्या आ सकता है, आपके कोई भी नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर आ सकता है। क्लियर है वाली बात। इसके बाद देखो यहां से ये बात क्लियर हो गई है कि बी एन इज द लीस्ट एलिमेंट ऑफ एल, कि जो बी एन है एटलीस्ट वन एलिमेंट रखेगा, लीस्ट एलिमेंट है उसके अंदर। बी एन इज इक्वल्स टू ए वन, और यहां ज्वाइन ए टू ज्वाइन ए थ्री, ऐसे करके ज्वाइन कितने करेगा, ये ए एन तक करेगा। आर ये बात समझ में, इनफाइनाइट तक ज्वाइन करता रहेगा, ये एन तक ज्वाइन करता रहेगा। इसीलिए सिमिलरली ए वन, ए वन मीट्स ए टू मीट्स ए थ्री, ऐसे करके मीट्स किसको करेगा, ये ए एन को करेगा, इज द ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ एल। कि ये देखो, ये हम इंटरसेक्शन की तरह देख सकते हैं, यूनियन की तरह देख सकते हैं, ये ज्वाइन का मार्क होता है, ये मीट का मार्क होता है, तो यहां ज्वाइन भी कर रहा है और यहां पर मीट भी कर रहा है। तो लीस्ट के लिए मैंने यहां पर जो ज्वाइन है वो यूज किया है, और जो मेरा मीट है उसके लिए मैंने यहां पर यूनियन टाइप का या वी टाइप का ये एलिमेंट यूज किया है। तो दोनों ही किस में होंगे, एल में होंगे, जो मैंने यहां पर लिखा हुआ भी है। सिमिलरली ए वन मीट्स ए टू मीट्स ए थ्री, ऐसे करके एन सो ऑन एन तक इज द ग्रेटेस्ट एलिमेंट। ग्रेटेस्ट के लिए ये ले लिया, लीस्ट के लिए ये ले लिया, लीस्ट के लिए भी दिखा दिया, ग्रेटेस्ट के लिए भी दिखा दिया। तो देखो अगर मैंने लीस्ट के लिए भी दिखा दिया, ग्रेटेस्ट के लिए भी दिखा दिया, तो यहां मैं बोल सकता हूं कि दस एल इज बाउंडेड लैटिस, कि जो एल होगी मेरी बाउंडेड लैटिस होगी, मतलब ये बंद होगी। आ रही है बात समझ में। तो देखो थ्योरम है, थोड़ी अटपटी सी लग रही होगी, क्योंकि यार जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ा उनको तो कुछ भी समझ में एटलीस्ट आएगा ही नहीं, पर इतना कह रहा हूं ये पेपर में काफी बार आती है, पेपर में जरूर करके आना। और अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो इसका टॉपिक वाइज मैं बिल्कुल एक वीडियो बाद में डालूंगा, पर उसका देखो यहां पर अभी कोई तर्क बनता नहीं है, क्योंकि देखो पेपर आपके दो दिन ही बीच में है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा मैं सोच रहा हूँ थ्योरम करा दूं, क्योंकि देखो अभी लाइट भग गई थी तो भैया बहुत टाइम मतलब लग रहा है वीडियोस बनाने में, बहुत मेहनत लग रही है। और देखो यहाँ पंखाओं का कुछ नहीं चल रहा, बस लगा पड़ा हूँ आप लोगों के लिए मेहनत करने में। बस हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दिखाओ, कुछ भी समझ में ना आवे बार बार पूछो भैया, मैं तो ये कह सकता हूँ, ठीक है। अब कुछ बच्चों के ये बहुत शिकायत आती है मेरे पास कि सर जो नीचे जो कैप्शन लिखे हुए आते हैं आप कैप्शन हटा दो। भाई कैप्शन में लगाता ही नहीं भाई, वो आपके फ़ोन में जनरेटिव ऑप्शन होता है एक यूट्यूब पर, जो ऊपर कैप्शन सीसी बन का आता है, उसे आप ऑफ कर दो तो कैप्शन नहीं आएगा, फिर आप पूरी जो स्क्रीन है उस पर आराम से देख सकते हो, पूरे बोर्ड का लिखा हुआ आपको समझ में आएगा। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो, पेपर में पक्का आने वाली है, इन दोनों में से एक थ्योरम पेपर में जरूर देखने के लिए मिलेगी, तो बिल्कुल भी छोड़कर मत आना। बाकी और आगे मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ वो देख लेना, और बाकी प्रूफ जल्दी से जल्दी मैं वीडियोस डालता रहूंगा, ठीक है। आगे कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ उन्हें देखते हैं फिर। देखो बेटा बार बार लाइट बड़े ड्रामे दिखा रही है बार बार। अब देखो पेपर भी आपके
ज़्यादा टाइम है नहीं, इसलिए देखो मैं बार बार बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके साथ, बस अपना प्यार दिखाओ, सपोर्ट दिखाओ। दोबारा कैमरे की ISO बढ़ाई है और क्वालिटी थोड़ी सी डाउन हो गई होगी, तो 1080 पर ही देखना जरूर। बाकी देखो यहाँ पर मैंने 3 थ्योरम और लिख दी हैं, 2 थ्योरम मैंने आपको प्रूफ कराई हैं, उन्हीं की तरह है बिल्कुल ये भी। टोटल 5 थ्योरम हो जाएंगे, 5 में से ये समझ लो 2 से 3 थ्योरम पेपर में रखी आपको पक्का मिलेंगी। आ रही बात समझ में? ये बात बिल्कुल 110% याद रखना, ठीक है। अगर इनका भी आपको सॉल्यूशन ना मिले तो आप पूछ लेना, बाकी एक बार मैं समझा देता हूं आपको। 2 थ्योरम तो पक्का, अब हो सके 3 मिल जाए। आ रही बात समझ में? तो उन्हीं की तरह है बिल्कुल। देखो जिसमें पहली थ्योरम जो है वो ये है, द ड्यूअल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस इज ए डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस, की जो जो ड्यूअल होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस का वो डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिव ही लैटिस ही कहलाता है। आ रही बात समझ में? सेकंड क्या है, इन एनी लैटिसेस एल दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स की आर इक्वलेंट, कि क्या कहना चाह रहे हैं कि जितनी भी लैटिसेस होंगी, जितनी फॉलोइंग लैटिसेस नीचे जो लिखे हुए हैं वो सब क्या होंगी, इक्वलेंट होंगी। आ रही बात समझ में? जो तीसरा है, तीसरा देख लो, शो दैट एवरी चैन इज ए डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस, जो हर चैन होती है, जो सारी चैने होती हैं वो क्या होती हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस होती हैं। आ रही बात समझ में? जो सभी चैने होती हैं क्या होती हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस होती है। तो देखो ये 3 थ्योरम है, इन्हें आप और ट्राई कर लेना जितना हो सके, और ना इनका सॉल्यूशन मिले तो करवा देंगे। जैसे आपने 18, एक दो बच्चे बोल रहे हैं 18 और 19 पार्ट जो मैंने दिया है उसके जो क्वेश्चन है हो गए हैं बहुतों पर, बहुतों सारे स्टूडेंट पर क्वेश्चन नहीं हुए हैं, तो उन क्वेश्चन को भी मैं फटाफट से करा दूंगा। और ना करवा पाऊं तो बेटा उनका सॉल्यूशन जरूर देख कर जाना, पेपर में मिलेंगे, ठीक है। बाकी देखो जितनी भी सारे कुछ, मैं देखो कोई आपसे चार्ज कुछ नहीं कर रहा, जितना भी हो रहा है मैं पूरी तरीके से मेहनत करने में लगा पड़ा हूं। आपको यकीन नहीं आएगा कि ये देख लो लाइट भगी हुई है, पंखे वगैरह सब बंद हैं, और फिर भी लेक्चर में शूट कर रहा हूं आप लोगों के लिए, इतना मेहनत कर रहा हूं। तो हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, कुछ भी समझ में आया तो पूछ सकते हैं। बाकी हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, हमारे मैथमेटिक्स वर्ल्ड फैमिली का हिस्सा जरूर बने, व्हाट्सएप चैनल से जुड़े रहें, फेसबुक पेज से जुड़े रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं, या कोई क्वेश्चन होता है वो भी पूछ लें, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएँ। थैंक यू।